नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चार्टर्ड टैक्स से आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करूंगा कि लास्ट वीक की तरह आने वाला हफ्ता भी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहे और आपको खूब सारा मुनाफा कमा के दे। तो दोस्तों, लास्ट वीक जबरदस्त मुनाफा रहा। आप लोगों में से किस किसने ट्रेड किया और किस किसने मुनाफा कमाया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। गोल्ड गोल्ड 56,000 के ऊपर बाई था। 56,300 का पहला टारगेट था, 56,370 तक का हाई क्लॉक किया। सिल्वर 70,000 के ऊपर बाई था, बाई ट्रिगर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, नथिंग टू लूज ओवर देयर। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में हम लोगों ने लोअर लेवल पे बाई का सोचा था, लोअर लेवल तक नहीं आया, बट अपने प्रीवियस वीक के फ्राइडे के क्लोजिंग तक आया, वही लो तक बना के घुमा, तो क्रूड में भी करीब करीब 450 पॉइंट का मूव आया। कॉपर, कॉपर वॉज द डार्क हॉर्स, 40 रुपए का मूव इस वीक में, 5% कॉपर में हम लोग बाई थे। 765 का टारगेट था, 772 तक का क्लोजिंग दिया है। एल्यूमिनियम हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था, जिंक में कुछ हमारा व्यू नहीं था। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में डोजी बना था डेली चार्ट में, एंड वी वेर ऑन टू द बाई साइड। 321 के ऊपर बाई था हमारा, तो 342 तक गया था, 360 का टारगेट था, वहां तक नहीं गया, 342 तक जाके रिवर्स हो गया। तो अगर किसी ने लिया होगा तो भी उसको 321 से 340 तक का टारगेट मिला इंची में, और नहीं लिया होगा तो एक माइनस से स्टॉप लॉस कटा। तो गोल्ड प्रॉफिटेबल, क्रूड प्रॉफिटेबल, कॉपर प्रॉफिटेबल, अगर मैं एनजी को मान लू पार्शियल प्रॉफिटेबल, पार्शियली प्रॉफिटेबल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीक के एनालिसिस को। अब अपकमिंग वीक में मार्केट क्या टर्न अराउंड ले सकता है, निफ्टी में सॉरी गोल्ड सिल्वर में क्या हो सकता है, कॉपर क्रूड में क्या चाल रह सकती है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा एनालिसिस हमेशा प्राइस एक्शन और कुछ इंडिकेटर बेस्ड होता है, ये आप जानते ही हो। आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल, मैं इसको बहुत सिंपल रखता हूँ। देखिए दोस्तों, एक ये पॉइंट था, रेजिस्टेंस पॉइंट था गोल्ड के लिए, ठीक है, दिस वाज वन रेजिस्टेंस पॉइंट जिसको कि गोल्ड ने ब्रेक किया है। एंड अब सेकंड पॉइंट ये है जहां पे गोल्ड खड़ा है, क्योंकि ये कोविड का हाई है, कोविड का पंचिंग हाई है। आई थिंक इसको भी ऊपर चला गया शायद, 56,191 का हाई है, एंड वी हैव क्लोज एट 56,370। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस हाई को भी ब्रेक कर लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूँ, समझ रहे हैं? ठीक है, तो वी हैव ब्रोकन दिस हाई, तो हम लोगों ने कोविड वाला हाई गोल्ड का ब्रेक कर दिया है। तो गोल्ड दोस्तों मेरे को अभी भी तेज लग रहा है, मैं काफी हफ्ते से बोलते आ रहा हूँ कि गोल्ड तेज है। इनफैक्ट मैं सोचिए, मैं 52,000 48,000 तो बोलते आ रहा हूँ कि गोल्ड तेज है, वो गोल्ड 58,000 तक जाएगा। तो गोल्ड में बाई रखना है, 56,000 का छोटा स्टॉप लॉस रखना है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि गोल्ड में डेली चार्ट में क्या पैन आउट हो रहा है। डेली चार्ट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम्स है, एमएसडी में बुलिश क्रॉसओवर है, मेरे डीटीटीएस सिस्टम पे बाई ट्रिगर्ड है। तो दोस्तों, गोल्ड में अभी भी बाई रखना है, एक छोटा स्टॉप लॉस देना है 56,000 के नीचे का, एंड एक 56,000 के नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस देना है, एंड गोल्ड पे हम लोग लॉन्ग रहेंगे 56,700 और 57,000 के टारगेट्स के लिए। तो गोल्ड लॉन्ग बाई, नेक्स्ट है दोस्तों सिल्वर। सिल्वर में सेम स्टेंस रहेगा, 70,000 के ऊपर। देखिए सिल्वर में दोस्तों, ये जो जगह खड़ा हो रहा है ना सिल्वर के लिए, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला पॉइंट को क्लिक इन कर रहा है। ये सिल्वर के लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी वाले जगह को क्लिक इन कर रहा है, तो लेट सिल्वर ब्रेक अबव दिस लेवल्स। तो ये जो जगह है ना 70,000, लेट सिल्वर ब्रेक अबव 70,000, 70,000 के ऊपर जाएगा तो 72,000 तक जाएगा। तो हम लोग 70,000 के ऊपर खरीदेंगे, 69,500 का स्टॉप लॉस देंगे, एंड हमारा टारगेट रहेगा 72,000 का। तो सिल्वर में भी वी आर ऑन टू बाई साइड। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल देखिए दोस्तों, मेरे को बुलिश इंस्टेंस लग रहा है और मेरे को बुलिश ही लग रहा है, तो लेट इट ब्रेक अबव सिक्स दिस हाइज। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में बहुत जगह ये मोमेंटम को क्रिएट कर रहा है। क्रूड में देखिए, मैं दोस्तों बोलूंगा कि
क्रूड में दोस्तों मैं बोलूंगा कि 6,300 का एक स्टॉप लॉस लगाइए एंड क्रूड को लॉन्ग रखिए इस वीक के लिए भी 6,800 और 6,900 के लिए। तो आई विल बी प्लेइंग लॉन्ग इन क्रूड दिस वीक ऑल्सो। कॉपर, कॉपर में देखिए एक एक्सटेंसिव बाई आया था और चला गया। कॉपर थोड़ा सा डीप में अगर मिल जाता है नीचे कॉपर अगर थोड़ा सा डीप में नीचे मिल जाता है ना तो आई थिंक कॉपर विल बी अ गुड बाय। तो कॉपर हम लोगों को थोड़ा सा डीप में मिल जाता है 750 760 के करीब मिल जाता है तो 740 का स्टॉप लॉस दीजिए 779 और 800 तक का टारगेट के लिए। कॉपर को भी हम लोगों को प्ले करना है लॉन्ग के लिए क्योंकि नेचुरल गैस में बॉटम फॉर्मेशन इज ऑन द वे। मेरे को मंडे को अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुल के एक डोजी बन जाता है ना तो मंगलवार को बाई करिए। और या कल का हाई टूट जाता है 311 का तो इसके ऊपर बाई कर लीजिए और टू ये जो लो है 290 का इसी का स्टॉप लॉस दे दीजिए। पहला टारगेट रखिए इसमें 339 एंड दूसरा टारगेट रखिए 363 का। तो एनजीवी इज ऑल्सो बाई साइड। तो गोल्ड बाई, सिल्वर बाई, क्रूड बाई, कॉपर बाई, एनजी बाई, सब बाई। तो दोस्तों इसको अपने रडार पे रखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, लेबल्स को लिख के रखिए, याद रखिए। एंड आपको कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई असुविधा हो, कोई लेबल्स को लेके परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू गिव रिस्पॉन्स ऑन द सेम। बट ये जो लेबल्स है दिस आर लेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एंड सम इंडिकेटर्स। तो दिस लेबल्स आर वेरी पावरफुल। जब आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा कैसे गोल्ड में कैसे गोल्ड में 1,000 1,000 पॉइंट और सिल्वर में 5,000 5,000 पॉइंट्स का मूव एक एक वीक में मिला है। एंड आपने इस वीक कॉपर देख ही लिया, 38 पॉइंट्स का मूव मिल गया एकदम विद इन अ वीक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी रेफर करिए ताकि वो भी इस प्रॉफिट का मजा उठा सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी तरह के प्रॉफिटेबल आइडियाज के साथ। तो इस वीक इजाजत दीजिए विकास बगड़िया को। धन्यवाद दोस्तों।